आइए अब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के रासायनिक गुणों को जानते हैं, यानी कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को। हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यमों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। जब यह स्वयं अपचयित होता है तो यह जल बनाता है तथा ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जब यह ऑक्सीकृत होता है तो यह वापस हाइड्रोजन परऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह यह अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की ही भांति कार्य कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय माध्यम में किस तरह से ऑक्सीकारक तथा अपचायक की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय माध्यम में जब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने पहले उदाहरण यहाँ पर लिया है वह है फेरस आयन। हम जानते हैं Fe2+ आयन, जिसमें कि फेरस की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह +2 है। जब इसकी क्रिया अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से होती है तो जो फेरस आयन है वह फेरिक आयन में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह जल में परिवर्तित हो जाती है, इससे जो ऑक्सीजन है वह वहाँ से रिलीज हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह स्वयं अपचयित हो रही है, जबकि फेरस आयनों को वह फेरिक आयनों में ऑक्सीकृत कर रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेड सल्फाइड जिसका कलर ब्लैक कलर का होता है, जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि ये सल्फाइड है, सल्फाइड को ये सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो लेड सल्फाइड है वह लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तथा यहाँ पर हमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से सल्फाइड आयनों को सल्फेट आयनों में ये कन्वर्ट करती है। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ये आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर हमें आयोडीन प्राप्त होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पोटेशियम है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम देखें कि जो पोटेशियम आयोडाइड है उसमें आयोडीन जो है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था में है तथा ये I2 में यानी कि आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0। तो इस तरह से जो आयोडीन है -1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसमें हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है -1, तो और यहाँ से यह जल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हम ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह होती है -2। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है स्वयं अपचयित हो रही है, जबकि आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर रही है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम नाइट्राइट आयनों को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने लिया है सोडियम नाइट्राइट NaNO2। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो हमें सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इस तरह से नाइट्राइट आयनों को यह नाइट्रेट आयनों में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा और भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 जिसका सूत्र होता है, और जब इसकी क्रिया अम्लीय माध्यम में H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वह पोटेशियम फेरीसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में ही ये अपचायक की भांति किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और KMnO4 की क्रिया जब हम अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीज है वह MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है, और जबकि यह कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई है +4। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर मैग्नीज आयन का अपचयन हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह स्वयं ऑक्सीकृत हुई है।
तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन O2 रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वह -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि O2 में यह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो -1 से यह 0 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि स्वयं ऑक्सीडाइज हो रही है। और इस तरह से यहाँ पर यह अम्लीय माध्यम में अपचायक की तरह कार्य कर रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं, एक और उदाहरण ले रहे हैं हम HOCl का। यहाँ पर HOCl की क्रिया जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि क्लोरीन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्रिया होती है तो यहाँ पर हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन, और साथ ही साथ मिलता है HCl और ऑक्सीजन O2 रिलीज होती है। अब यहाँ पर जो HCl है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इसका मतलब यह हुआ कि यह +1 से -1 में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर इसका अपचयन हुआ है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड आक्सीकारक के रूप में भी कार्य करती है और अपचायक के रूप में भी कार्य करती है। अब हम देखते हैं क्षारीय माध्यम में यह किस प्रकार से आक्सीकारक और अपचायक की तरह कार्य करती है। क्षारीय माध्यम में हम यहाँ पहले देख रहे हैं कि ये आक्सीकारक के रूप में किस तरह से कार्य करती है, इसका कुछ उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर भी हमने लिया है क्षारीय माध्यम में फेरस आयनों का उदाहरण ले सकते हैं। फेरस आयनों की क्रिया जब हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यह फेरिक आयनों में कन्वर्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर OH- प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ ये Mg2+ आयनों को Mg4+ आयनों में आक्सीकृत कर देती हैं, यानी कि Mg2+ आयनों की क्रिया जब यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड से करेंगे तो हमें Mn4+ या MnO2 प्राप्त होगा, जिसमें कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्षारीय माध्यम में अपचायक के रूप में होने वाली अभिक्रिया। यहाँ पर क्षारीय माध्यम में आयोडीन को ये आयोडाइड आयनों में अपचयित कर देती है। जब आयोडीन I2 की क्रिया हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तथा OH- आयन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि क्षारीय माध्यम की उपस्थिति दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर जब क्रिया होती है तो ये जो आयोडीन है वो I- आयोडाइड आयनों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस तरह से साथ ही साथ यहाँ पर जल बनता है तथा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये MnO4- आयनों को मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देती हैं। MnO4- की क्रिया जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पर ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जल बनता है तथा यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीज MnO4- है वहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है, जबकि MnO2 बन रहा है जिसमें कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कम +4 हो जाती है, और इस तरह से यहाँ पर यह अपचयित हो जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की आक्सीकारक के रूप में होने वाली अभिक्रिया का ही उदाहरण है, और जिसे हम कहते हैं विरंजन अभिक्रिया, जिसकी वजह से यह ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम जानते हैं कि किसी भी उत्प्रेरक या क्षार की उपस्थिति में ये बहुत ही आसानी से विघटित हो जाती है और जल तथा नेसेंट ऑक्सीजन देती है। यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन जो मिल रही है यही ऑक्सीकारक का कार्य करती है। जो भी रंगीन पदार्थ है उसके साथ मिलकर वह उसका रंग उड़ा देती है और उसे रंगहीन बना देती है, और यही जो ब्लीचिंग अभिक्रिया है जिसकी वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का आयतन सामर्थ्य वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में। यदि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को बाजार में जाकर खरीदने जाएं तो यह इसकी जो बॉटल होती है उस पे लिखा होता है 10 आयतन, 20 आयतन, 50 आयतन या 100 आयतन। इस नाम से
इसके जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के भिन्न भिन्न सॉल्यूशन है, विलयन है, वो हमें मिलते हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो सामान्य कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें लिखा होता है 250 ml, 40 ml, 60 ml, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है जिसके बॉटल के ऊपर लिखा होता है 10 volume, 20 volume, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बॉटल जिसके ऊपर लिखा हुआ है 10 आयतन, इस 10 आयतन वाले जो सॉल्यूशन है उसका यदि हम इकाई आयतन ले लें, 1 ml ले लें या 1 liter ले लें, तो मान लीजिए यदि हम इसका 1 ml विलयन लेते हैं तो उसके विघटन से हमें 10 ml ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। यदि हम इसका 1 liter लेते हैं तो हमें इसके पूर्ण अपघटन से 10 लीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड द्रव है जबकि हमें उससे ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह से यदि हमारे पास जो सॉल्यूशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का उस पर लिखा है 20 आयतन, 20 volume यदि लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इसका 1 ml लेते हैं तो हमें 20 ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी, या फिर यदि हम इसका 1 liter लेते हैं तो हमें 20 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसी तरह से यदि किसी बॉटल पे 100 volume लिखा हुआ है, 100 आयतन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 100 आयतन वाले विलयन का यदि हम 1 ml लेते हैं तो उसके अपघटन से हमें 100 ml ऑक्सीजन गैस मिलेगी, या यदि हम इसका 1 liter लेते हैं तो हमें 100 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के बॉटल के ऊपर जो आयतन लिखा होता है वो यह दर्शाता है कि उस विलयन के इकाई आयतन के अपघटन से हमें उतने वॉल्यूम या उतने आयतन की ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो ये तो ही वॉल्यूम की बात। अब हम ये देखें कि वास्तव में यदि जो 100 वॉल्यूम आयतन लिखा हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वास्तव में उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होती कितनी है, यानी कि उसकी सांद्रता कितना है, उसका कितना द्रव्यमान उस हाइड्रोजन परऑक्साइड के विलयन में घुला हुआ है जिसके ऊपर लिखा है 100 आयतन। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो विघटन अभिक्रिया है उसको देखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 mol 2H2O2 जब विघटित होते हैं तो 2 mol जल के बनते हैं तथा 1 mol ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो यदि हम इसको देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 mol के विघटन से हमें 1 mol ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 34, और इसके 2 आयतन हैं, यानी इसके 2 यूनिट ले रहे हैं, 2 mol ले रहे हैं, मतलब इसका जो द्रव्यमान हो गया वो हो गया 68 ग्राम। यानी कि 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन से हमें 1 mol ऑक्सीजन मिल रही है, और 1 mol का अर्थ मतलब होता है सामान्य ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के 68 ग्राम से हमें 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो 100 वॉल्यूम यदि हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि उसके 1 ml से विघटित होने पर हमें 100 ml या 1 liter के विघटित होने पर हमें 100 liter ऑक्सीजन दे रहा है, उसमें कितनी हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा होगी। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 68/22.4 × 100/1, और इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 303.57 लगभग ये ग्राम पर लीटर, इतना जो द्रव्यमान हमें मिल रहा है वो पर लीटर में मिल रहा है। तो इस तरह से पर लीटर 1000 में है तो यदि उसे हम 100 में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, लगभग 30। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 वॉल्यूम
जिस हाइड्रोजन परऑक्साइड के बॉटल पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वह 30% है, यानी कि उसकी सांद्रता 30% है। इसी तरह से हम यदि 10 वॉल्यूम यदि दिया हुआ है हमारे पास, जो भी सॉल्यूशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का वो 10 वॉल्यूम है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 100 वॉल्यूम वाले हैं उसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता है वो 30% है। तो 10 वॉल्यूम वाला जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन होगा उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की सांद्रता कितनी होगी, 3%। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्रव्यमान या उसकी सांद्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी तरह से हमें किसी भी वॉल्यूम आयतन के लिए यदि हम एक सामान्य फॉर्मूला क्रिएट करना है तो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 22,400 ml, यदि हम उसको ml में लिखें तो 22,400 ml ऑक्सीजन हम जानते हैं हमें प्राप्त होती है 68 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो xml ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलेगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 68/22,400 और इनटू हो जाएगा x। और यदि हम इसको और सामान्य कर लें यानी कि 68 और इसको कट कर लें तो हमें मिल जाएगा 70x/5,600। तो इस तरह से ये जो हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है इसके आधार पर हम किसी भी आयतन या वॉल्यूम आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से 100 ml के लिए के साथ साथ, या मान लीजिए 1000 ml के लिए है तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 70x/5.6। तो इस तरह से अब यहाँ पर यदि हमें x भी कैलकुलेट करना है तो x किस प्रकार निकालें, तो x है द्रव्यमान या वेट। तो द्रव्यमान या वेट हम जानते हैं ये बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू तुल्यांकी भार के, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यदि हम इक्विवेलेंट वेट निकालें तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान होता है 34 और इसमें जो n फैक्टर होता है वो होता है 2, क्योंकि इसमें 2 विस्थापनी हाइड्रोजन है इसलिए ये 34 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 34/2 यानी कि 17। अब इस तरह से यदि हम यहाँ पर लिखें कि जो हमें फॉर्मूला मिला है वो 70x/5.6, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये जो द्रव्यमान है ये बराबर हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी हमें अभी पता नहीं है और इसका इक्विवेलेंट वेट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n इनटू हो जाएगा 17। और इस तरह से जब हम x निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 17 और 17 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर हमें मिल जाएगा n इनटू 5.6। और इस तरह से एक सामान्य सूत्र हमें मिल गया है जिसकी सहायता से यदि हमें उसकी नॉर्मेलिटी पता हो तो हम वहाँ पर पता कर सकते हैं कि उस जो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो हमें दी गई है उसमें वास्तव में हाइड्रोजन परऑक्साइड की कितनी मात्रा घुली हुई है या उसकी सांद्रता कितनी है। अब इसके बाद हम जानते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है और साथ ही साथ हम इसके उपयोग जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत जल्दी विघटित होकर जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके लिए या सूर्य के प्रकाश से भी ये उत्प्रेरित हो सकती है या फिर धातुएं और या फिर किसी भी क्षार की उपस्थिति में यह अपघटित हो जाती है। और इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए हम कांच के बर्तन या धातु मेटल के बर्तनों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्लास होता है उसमें भी क्षारीय पदार्थ उपस्थित होते हैं और जो मेटल धातुएं होती हैं वह भी इसे अपघटित कर देती हैं, उसके अपघटन में ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। और इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्टोर करने के लिए
प्लास्टिक के बाटलों का उपयोग किया जाता है, और यदि कांच के बाटलों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर भी उसके अंदर में वैक्स या मोम की सतह लगा दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर माध्यम अम्लीय रखने के लिए या रखा जाता है, और साथ ही साथ इसमें स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर उसके लिए हम खासकर यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो जो अम्लीय माध्यम होता है उसमें ये कुछ स्थायी होती है, जबकि क्षारीय या धातुओं की उपस्थिति में ये बहुत जल्दी अपघटित हो जाती है। तो इस तरह से स्टेबलाइजर की उपस्थिति में तथा गहरे रंग की बोतल का उपयोग किया जाता है और अंधेरे में इसे स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड को स्टोर करने के लिए हमें विशेष सावधानी रखनी होती है, नहीं तो कुछ समय के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड का विलयन हाइड्रोजन परऑक्साइड के रूप में नहीं रहेगा बल्कि उसमें जल हो जाएगा तथा ऑक्सीजन पृथक हो जाएगी। अब जानते हैं इसके उपयोग। हाइड्रोजन परऑक्साइड के जो सामान्य उपयोग हैं उसकी उसे हम शुरू में भी जान चुके हैं। तो सामान्य तौर पर यदि हम कहें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग खासकर कीटनाशी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, बालों को विरंजित करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और एंटीसेप्टिक के रूप में यह बाज़ार में पर हाइड्रोल के रूप में मिलता है, और इसे हम एंटीसेप्टिक के तौर पर या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्व है। विभिन्न उद्योगों में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इसका सोडियम परबोरेट तथा सोडियम परकार्बोनेट, इनके निर्माण के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और ये जो सोडियम परबोरेट या सोडियम परकार्बोनेट होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनको उच्च कोटि के अपमार्जकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो अपमार्जक हैं उनका कितना उपयोग है। इसके बाद हम देखें कि कुछ और भी कार्बनिक कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोक्विनोन या टार्ट्रिक अम्ल, इनके संश्लेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुछ औषधियां भी हैं जैसे कि सिफेलोस्पोरिन, इनके संश्लेषण के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड उच्च सांद्रता में रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी उपयोग में लाई जाती है, और इस बाकी जो व्यावसायिक उपयोग होता है उसमें इसका 30% सॉल्यूशन ही उपयोग में लाया जाता है, जबकि कीटाणुनाशी के रूप में इसका तनु विलयन केवल 3% विलयन ही काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, और इसीलिए वस्त्रों को, ऊन को, चमड़े उद्योग में तथा रबड़ उद्योग में इनका, या जो कागज उद्योग होते हैं उसमें कागज की लुगदी को, इन सभी को विरंजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो खाद्य तेल या वसा होती हैं उन्हें भी क्लियर करने के लिए, उनका जो रंग होता है मटमैला सा, गंदला सा रंग है, उसको साफ करने के लिए भी विरंजक के तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी, यहाँ पर जो विनाइल पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है वहाँ पर भी उत्प्रेरक के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आजकल चूंकि आज पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इसीलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, या हम कहें हरित रसायन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग बहुत अधिक है। यहाँ पर कई जो चीज़ें होती हैं जैसे कि घरों से निकलने वाले या फिर औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले जो बहिस्राव होते हैं, या उनका उपचार करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बिना उपचार करके ये सीधे नदियों या में मिला दिए जाएं तो ये पूरा जल प्रदूषित हो जाता है। तो उसके पहले ये जो सीवेज और वाहित मल होते हैं उनका पहले ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें उपचारित किया जाता है, और जो रेस्ट वाटर होता है, जो निकला होता है, वह प्रदूषण रहित हो जाता है। ऐसे वाटर को फिर बाहर आगे जाने दिया जाता है।
साथ ही साथ कुछ जो साइनाइड्स हैं उनके ऑक्सीकरण में भी इनका उपयोग होता है, और इसके अलावा जो सीवेज है, वाहित मल है, उसके उपचार के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे लिए दैनिक जीवन में तो उपयोगी है ही, औद्योगिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।